प्रधानमंत्री ने कहा, बाबा साहब के आदर्श और विचार लोगों को निरंतर प्रेरित करते रहेंगे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस आज। देश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की दर 94% से अधिक हुई। छत्तीसगढ़ में भी कम हो रही है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध समाप्त करने बुधवार को होगी सरकार और किसान नेताओं की बातचीत। कृषि मंत्री ने कहा, किसानों का प्रदर्शन जल्द समाप्त होगा। और छत्तीसगढ़ में अब नहीं लगाने होंगे पटवारियों के चक्कर। भुइयां सॉफ्टवेयर में मौजूद दस्तावेजों से होगी रजिस्ट्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि बाबा साहब के विचार और आदर्श लाखों लोगों को निरंतर प्रेरित करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अंबेडकर के भारत का सपना पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं। बाबा साहब की पुण्यतिथि के अवसर पर देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है। राजनांदगांव जिले में भी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस कोरोना संक्रमण के चलते सादगी से मनाया गया। इस अवसर पर अनुयायियों ने कलेक्टर कार्यालय स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। समाज के लोगों ने बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे समाज सुधार के साथ ही ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे जो विचारों से प्रगतिशील हो। भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं एक ऐसा भारत चाहता हूं जो विचारों से प्रगतिशील हो, आधुनिक भारत हो और जहां विचारों का आदान प्रदान हो, सहिष्णुता की भावना हो। बाबा साहब ने कहा था कि मेरी मूर्ति पूजने से ज़्यादा मेरे विचारों को मूर्त रूप देने की ज़रूरत है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह भी कहा था कि किसी भी बात पर एकदम अंधविश्वास ना करें, हर चीज़ पर तर्क की खोज करें। और मैं इसी के साथ पुनः अपने श्रद्धांजलि बाबा साहब को अर्पित करती हूँ। इधर राजधानी रायपुर में भी कलेक्ट्रेट चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में रायपुर सांसद सुनील सोनी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने सभी लोगों को एक साथ रहने का अधिकार दिया, संविधान दिया। और जो अंतिम व्यक्ति है जिसके साथ में न्याय नहीं हो रहा था, ऐसे सारे लोगों के साथ में न्याय मिले, इसकी संविधान ने व्यवस्था की। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य लोगों को जो है वो नौकरी से लेकर अपने जीवन के अंदर में परिवर्तन लाए और अच्छा जीवन जिए, इसकी व्यवस्था किया उन्होंने। और उस कालखंड के अंदर में बहुत बड़ा वर्ग जब बाबा साहब के साथ में जुड़ा था तो अनेक अन्य लोगों ने उनको प्रबोधन दिया धर्म परिवर्तन का, लेकिन उन्होंने जो है हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया, हिंदुस्तान के लिए जिया और हिंदुस्तान के लोगों को जो है एक कानून बनाकर जो है एक अच्छा देश के निर्माण के अंदर में उनकी भागीदारी रही, उनको मैं नमन करता हूँ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बौद्ध महासभा के कार्यकर्ता एवं समाज के लोग भी मौजूद थे। देश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की दर बढ़कर 94.37% हो गई है। इसके साथ ही देश ने कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है। पिछले 9 दिनों से लगातार नए मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा बनी हुई है। अब तक 91 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। लगभग एक महीने से प्रतिदिन पॉजिटिव मामलों की संख्या 50,000 से कम आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 36,000 नए मामलों का पता चला है और लगभग 42,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना के लगभग 75% मामले दिल्ली, महाराष्ट्र,
केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान सहित 10 राज्यों के हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 2,45,580 हो गई है, जबकि अब तक कुल 2,23,070 मरीजों को अस्पताल और होम आइसोलेशन से डिस्चार्ज किया जा चुका है। वर्तमान में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 19,533 हो गई है। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में इससे बचाव के लिए एक जन आंदोलन की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ में भी इस अभियान को व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर रजत मूना ने कहा कि आज हम सब अपने और अपने परिवार तथा समाज को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 3 आसान उपायों को अपनाने का संकल्प लें। कि सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, 2 गज की दूरी कम से कम बनाए रखें, मास्क का इंतजाम करें, हाथ का समय समय पे साबुन से हाथ को धोएं और साफ रखें, अपने साथ आसपास के एनवायरनमेंट को साफ रखें और अगर पानी ना मिले तो हाथ को सैनिटाइज करें। ये बहुत जरूरी है, हम सब मिलके कोरोना को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के एक्टिव केस की संख्या लगातार कम होती जा रही है। नए कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए किसान नेता बुधवार को केंद्र सरकार के साथ 6ठे दौर की वार्ता करेंगे। कल 5वें दौर की बातचीत पूरी नहीं हो सकी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार ने आपत्ति वाले प्रावधानों के संभावित समाधान तैयार किए हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि किसानों का विरोध प्रदर्शन जल्द ही समाप्त हो जाएगा। 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें, लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। अभी भी हम उसका इंतजार करेंगे। श्री तोमर ने कहा कि सरकार विवादों के समाधान के लिए ऊपरी अदालत में जाने का प्रावधान शामिल करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जारी रहेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को ये विश्वास होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी सरकार जो कुछ भी करेगी वो किसानों के हित में होगा। MSP जारी रहेगी, MSP पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। APMC एक्ट राज्य का और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और न ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। उन्होंने किसान संघों को विरोध प्रदर्शन के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए धन्यवाद दिया। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान दिल्ली आए हुए हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वैश्विक महामारी COVID-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में।
राज्य सरकार ने आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल कर दिया है। अब जमीन का पंजीयन कराने वाले लोगों को पटवारी या तहसीलदार के पास चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। भुइयां सॉफ्टवेयर में अपलोड दस्तावेज ही अब रजिस्ट्री के लिए मान्य किए जाएंगे। इस संबंध में कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक द्वारा प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि वे सभी अपने जिले के पंजीयन कार्यालयों में सरकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएं। राज्य शासन द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने का कारण ये है कि लोगों को रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन नक्शा, खसरा व B1 में पटवारी का हस्ताक्षर करवाना और सील लगवाना पड़ता था। अब रजिस्ट्री में पटवारी और तहसीलदार के हस्ताक्षरित खसरा 5 साल और खसरा B1 की जरूरत नहीं होगी। अब इनके डिजिटल दस्तावेजों से रजिस्ट्री की जाएगी। प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा है कि इस निर्देश के बाद लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके पीछे कारण यह है कि लोगों को रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन नक्शा, खसरा और B1 में पटवारी के हस्ताक्षर और सील लगवाना पड़ता था। इसके लिए उन्हें बार बार पटवारी कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता था, जिससे रजिस्ट्री पेंडिंग हो जाती थी और शासन को भी राजस्व का नुकसान होता था। अब इन सभी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आदेश जारी किया गया है। इससे लोगों को अपनी ही जमीन की रजिस्ट्री कराने में काफी आसानी होगी। महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी प्रकार से कोई संदेह हो अथवा प्रश्नाधीन भूमि भुइयां की साइट में उपलब्ध नहीं हो, तभी जमीन की रजिस्ट्री के लिए पटवारी या तहसीलदार द्वारा प्रमाणित राजस्व अभिलेख की मांग की जाए। कांकेर के मांझापारा वार्ड स्थित बिजली ऑफिस में घुसे भालू को लगभग 8 घंटे बाद रेस्क्यू कर लिया गया। रायपुर से पहुंची वन विभाग के विशेषज्ञों की टीम ने भालू का रेस्क्यू किया और उसके स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। बताया गया है कि सुबह 7 बजे बिजली ऑफिस के प्रांगण में भालू की चहलकदमी का लोगों को पता चला, जिसके बाद स्थानीय वन अमले को इसकी सूचना दी गई। स्थानीय अधिकारियों ने इसकी सूचना रायपुर के वन अमले को दी, जिसके बाद यहां से विशेषज्ञों की टीम कांकेर भेजी गई। DFO अरविंद PM ने कहा कि शहर में भालू न घुसे, इसे लेकर वन विभाग की टीम लगातार प्रयास कर रही है। पहाड़ी के नजदीक ही शहर होने के कारण भालू इस ओर रुख कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर सीजन में विंटर का समय मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे भालू अपना बस्ती के अंदर आ रहे हैं। इसमें एक कारण भी हम लोगों को, लोगों से भी मेरा निवेदन है, जो कचरा का जो मैनेजमेंट है उसको थोड़ा ठीक से करना पड़ेगा, क्योंकि उसी को देखते हुए अभी हम लोगों को जो भी घटना का जो जानकारी मिल रही है वो सब एक कचरा इधर फेंके हुए घर के बाड़ी में, और उस बाड़ी में वो कचरा को खाने के लिए आ रहे हैं। भालू के पकड़े जाने की खबर लगते ही बड़ी संख्या में लोग बिजली ऑफिस के पास जमा हो गए। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। और आइए अब देखते हैं फिट इंडिया संदेश। रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, बाबा साहब के आदर्श और विचार लोगों को निरंतर प्रेरित करते रहेंगे। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस आज। देश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की दर 94% से अधिक हुई। छत्तीसगढ़ में भी कम हो रही है कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या। कृषि कानूनों पर जारी गतिरोध समाप्त करने बुधवार को होगी सरकार और किसान नेताओं की बातचीत। कृषि मंत्री ने कहा, किसानों का प्रदर्शन जल्द समाप्त होगा।
और छत्तीसगढ़ में अब नहीं लगाने होंगे पटवारियों के चक्कर, भुइयां सॉफ्टवेयर में मौजूद दस्तावेजों से होगी रजिस्ट्री। कोरोना से बचाव के लिए मास्क सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ, नमस्कार।